मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका नानी की रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकली की सब्जी। हमने यहाँ पर ये एक चम्मच हमने यहाँ पर तेल डाला है। ये चम्मच थोड़ा छोटा ही है, मतलब बड़ा नहीं है। अब हमने यहाँ पर जो ये ब्रोकली ली है, ब्रोकली हमने 250 ग्राम ली है। ये ब्रोकली हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड हम ये स्टेप फ्राई करेंगे। फ्रेंड ये देखिए ब्रोकली हमारी फ्राई हो गई है। फ्रेंड ये 5 मिनट लगे हैं हमें फ्राई करने में, हम इसे निकाल रहे हैं। फ्रेंड हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर आलू लिए हैं, आलू हमने 3 आलू लिए हैं ये, और इस तरीके से हमने इनको काट लिया है, पतला पतला काटा है ना लंबाई में। ये हम इसमें डाल देंगे। जैसे हमने ये ब्रोकली फ्राई किया था उसी तरीके से हम ये आलू फ्राई करेंगे। फ्रेंड आलू भी हमारे फ्राई हो गए। ये जब तक हमारा आलू थोड़ा सा गलने लगे, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आलू देखिए टूट गया है आराम से। हम आलूओं को भी बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड हम यहाँ पर थोड़ा ऑयल डाल रहे हैं। ये करीब हम जो खाने वाली चम्मच होती है, हम इतना ही ऑयल डाल रहे हैं इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल रहे हैं। ये 1/4 छोटी चम्मच हम इसमें हींग डाल रहे हैं। फ्रेंड ये जीरा हमारा चटक गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर हमने ये प्याज ली है, प्याज हमने 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज की। ये हमने बारीक काट ली हैं लंबाई में, आप जैसे ऑप्शन है आपका, जैसे आप काटना चाहें। ये थोड़ा सा हम भूनेंगे इसे। फ्रेंड ये देखिए प्याज भी हमारी ब्राउन हो गई है, हल्की ब्राउन करी है हमने प्याज को, ज़्यादा नहीं भुना है। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, ये 2 छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 2 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा हम भुनेंगे इसमें। यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटर हमने छोटे छोटे काट लिए हैं। अगर आप काट के नहीं डालना चाहते तो इन्हें पीस के भी डाल सकते हैं, इसका पेस्ट बना के भी टमाटरों को डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटे टमाटर काटे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच हम इसमें अदरक का पेस्ट बना के डाल रहे हैं। 1 चम्मच पेस्ट हमने लहसुन का बनाया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर ये हमने हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च हमने छोटे छोटे पीस इसके काट लिए हैं, ऑप्शन है आप लंबाई में भी काट के डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने काट लिए हैं, ये हमने 3 से 4 मिर्च लिए। अब ये मसाला हम अच्छे तरह से है ना भून लेंगे। ये फ्रेंड दीदी 5 मिनट हो गए हैं हमारे, हमने जो टमाटर डाले थे इस तरीके का ये मसाला बना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक स्वाद अनुसार डालें। ये कसूरी मेथी डाल रहे हैं हम इसमें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ब्रोकली की सब्जी बना रहे हैं हम। ये 100 ग्राम हमने दही लिया है, दही थोड़ा चम्मच से चला लिया है, हम ये दही डाल देंगे इसमें। दही का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्जी में, ब्रोकली की सब्जी में। इसको अब थोड़ा सा हम गैस को तेज कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, छोड़े नहीं बिल्कुल भी, वरना दही फट जाएगा। फ्रेंड ये देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, ये डाल देंगे। थोड़ा सा इससे रोगन अच्छा लगेगा, ये भी थोड़ा चला देंगे हम अच्छे से। 1/2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है सब्जी में डालने से। हमने यहाँ पर 1 कप हमने मटर लिए, मटर हमने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। ऑफलाइन ना डालना चाहते तो मटर ना डालें। यहाँ पर जो हमने आलू फ्राई किए थे वो भी हम डाल देंगे। हमने जो ब्रोकली रखा था फ्राई करके, ये ब्रोकली हम डाल लेंगे क्योंकि ब्रोकली तो मैन है, ब्रोकली की सब्जी बना रहे हैं हम। ये सारे मसालों को हम ब्रोकली में इस तरीके से मिला देंगे जो हर पीस में मसाला मिल जाए। फ्रेंड 2 से 3 मिनट हमने मसाले के अंदर इसी तरीके से सब्जियों को भूना है। अब ये मसाला सारी सब्जियों में अंदर तक जा चुका है। अब हम इसमें ये 1/2 कप पानी डाल रहे हैं, पानी मतलब
आधा कप या फिर 100 मिली लीटर हम पानी डालेंगे इसमें। ये पानी डाल दिया। अगर आप तरी वाली बनाना चाहते हैं तो एक कप पानी डाल दें, और सूखी बनाना चाहेंगे तो इसमें आधा कप पानी बहुत है। अब हम इसे, अब सब्जी को हम ढक देंगे, और ढकने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये फ्रेंड देख रहे हैं हमारी सब्जी का क्या हाल है। ब्रोकली की सब्जी बनके देखिए तैयार हो गई है। इसमें हल्का हल्का सा पानी है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। ये हम गैस बंद कर देंगे। अब फ्रेंड ये देखिए सब्जी, ब्रोकली की सब्जी बनके हमारी तैयार हो गई है, और यकीन मानिए बहुत अच्छी सब्जी बनी है, क्योंकि इसमें ताकत काफ़ी होती है। ब्रोकली में हरी सब्जी है, वैसे भी सलाद में ज़्यादा खाई जाती है, इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।